मैंने तो बोल दिया ना, तो ऐसे क्यों कर रहे असली जो बनारस है कहते हैं वो इन्हीं गलियों में बसता है। भीड़ देखो भाई साहब, भक्तों के बाबा के दरबार में यार, यहाँ की खूबसूरती को ना मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, बयान नहीं कर सकता। तो वहाँ पे अंदर है काशी विश्वनाथ का मेन मंदिर। तो जी भोले की नगरी काशी से आप सभी को हर हर महादेव। और आज है अपनी इस ट्रिप का, काशी विश्वनाथ ट्रिप का डे टू। और फिलहाल हम लोग निकल गए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए। और अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 7। वैसे प्लान था हमारा 6 बजे निकलने का, लेकिन कल ज़्यादा थके हुए आए थे तो आज 1 घंटा लेट हो गया, बट कवर अप कर लेंगे। बाकी फ़िलहाल बस चल रहे हैं कॉरिडोर तक, पहले स्नान वगैरह करेंगे। मैं तो हल्के से नहा धो के आ चुका हूँ, फिर एक बार फिर से स्नान वगैरह करके फिर करेंगे मंदिर के दर्शन। और आज काफ़ी अच्छे से दर्शन हो जाए, बस यही होप करते हैं। और आप लोगों को भी कराएंगे, तो सबसे पहले तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर देना। हर हर महादेव। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं पहले दशाश्वमेध घाट स्नान वगैरह करने के लिए। और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है यार यहाँ पे, मतलब लाखों की संख्या में मान लो आप। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं अब आना चालू हो चुके हैं ऑलरेडी, कितने लोग जो हैं दर्शन करके जा चुके हैं। दर्शन चालू हो जाते हैं रात को 2 या 3 बजे से, महाकाल आरती के बाद जो होती है। और सुबह घाट पर भी एक आरती होती है, गंगा आरती। बाकी ये है पीछे हमारे सारा नया बना हुआ कॉरिडोर, जो कि आपने वीडियोज़ में थोड़ा बहुत देखा होगा। तो गाइस पहुंच चुके हैं फाइनली दशाश्वमेध घाट पे, मेरे सामने जो आप देख रहे हैं। जाना है भी नाव से? दशाश्वमेध घाट नाव से अभी नहीं भाई, बाद में जाएंगे। क्या बात है, और बोटिंग वगैरह चल रही है बहुत ही बढ़िया से। सन की जो साइन पड़ रही है ना गंगा नदी में, कितनी बढ़िया लग रही है। तो फिलहाल बस यहीं पर कहीं पर हम भी स्नान करेंगे। तो भाई 8:20 हो चुके हैं और अपना स्नान हो गया डन, हम दोनों ने कर लिया। ये भाई भी तैयार हो गया, एक स्नान करके आ रहा है अभी। बाकी फिलहाल हम लोग रेडी हैं, 8:30 बजे हम लोग चले जाएंगे यहाँ से विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। और फिर देखते हैं कितनी लंबी लाइन है हमें 80 घाट पे, जहाँ भगवान रुद्र ने 80 राक्षसों का वध करा था। तो ये वाला 80 घाट का है, लेकिन ये बताना जरूरी। गजब बेइज्जती है, मैंने तो बोल दिया ना, तो ऐसे क्यों कर रहे हैं? मतलब 80 घाट आ गए, 80 घाट का इतिहास बता रहे हैं। त्यागी जी हाँ नहीं हो गया, गूगल कर लेना अब तुम लोग, ठीक है। तो भैया ये भैया तो बता रहे हैं हमें कि मोबाइल वगैरह और डिजिटल वॉच और डिजिटल कैमरा वगैरह कुछ भी अंदर नहीं जाएगा मंदिर में, तो बस हम दर्शन कर पाएंगे आपको, हम बाहर से ही दर्शन करा देंगे। और बढ़िया से त्रिकुंड हमने लगा लिए, हर हर महादेव। चलो बढ़िया फिर तो। तो भाई असली बनारस की गलियों में तो अब आए हैं, अब घूम रहे हैं, देख रहे हो क्या बात है। बाकी अब कुछ करना है तो असली जो बनारस है कहते हैं वो इन्हीं गलियों में बसता है, बाकी बाहर तो मेन रोड से अगर चले जाओगे तो कोई फायदा नहीं है। तो हमने वही कोशिश करी है कि अंदर से चलते हैं गलियों में से, सीधा पहुँचेंगे कॉरिडोर, फिर करेंगे बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन।
तो दिल को अच्छा सा लग रहा है। बाकी फिलहाल त्रिकुंड कैसा लग रहा है मेरा ये कमेंट करके जरूर बताना। बाकी गलियों को एंजॉय करते हैं अभी। बाबा विश्वनाथ भी यही क्या बात है भाई साहब, गजब। आइएगा पहले शॉप पे हमारी। ठीक है जी। तो गाइस ये है काशी विश्वनाथ का मेन द्वार। कितना बढ़िया, कितना अच्छा लग रहा है ना। और ये भी एक टेंपल है पुराने टाइम पे बना हुआ। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, बेहतरीन सा। यहाँ से एंट्री है, अंदर मेन टेंपल है। अंदर तो फ़ोन वगैरह हम ले जा नहीं पाएंगे। बाकी ये पूरा कॉरिडोर का रास्ता है ये जो बना है नया। और ये रास्ता जाता है सीधा 80 घाट के लिए नीचे। तो अभी हम लोग यहाँ आ चुके हैं। और इधर आपको अगर खाने पीने का भी है सब मिल जाएगा दर्शन करने के बाद। हम बढ़िया से खाइए पिए। और इधर है भारत माता का मंदिर। ये है भारत माता। क्या बात यार, यहाँ की खूबसूरती को ना मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, बयान नहीं कर सकता। अंदर मंदिर आपको दिख रहा होगा, आप लोग यहीं से दर्शन कर लीजिए। अरे कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो वहाँ पे अंदर है काशी विश्वनाथ का मेन मंदिर। तो बस मोबाइल वगैरह कैमरा वगैरह जमा कराते हैं और उसके बाद चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, कैमरा मोबाइल डिजिटल वॉच ऐसी चीज़ें कुछ भी अलाउड नहीं है अंदर। कॉरिडोर में आप ले जा सकते हो, मंदिर में नहीं। तो पहले हम दर्शन कर रहे हैं, फिर हम कॉरिडोर घूमेंगे। तो चलते हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। भाई अपने दर्शन तो हुए एक नंबर मजे में। और अंदर काफ़ी भीड़ थी और अभी तो काफ़ी भीड़ हो चुकी है, पीछे यहाँ तक लाइन आ चुकी है। और अभी हम काफ़ी गलियों में अंदर। टाइम हो रहा है 11:53 और 12 बजे का ना हमारा चेकआउट है होटल का। तो भक्के जाना पड़ेगा, भीड़ बहुत है क्योंकि। तो चलते हैं, पहले होटल का निपटा लेते हैं, फिर देखते हैं। भीड़ देखो भाई साहब, भक्तों के बाबा के दरबार में। क्या बात है, अभी मेरे ख्याल से कभी करीब दिखेगा भी नहीं आपको, इतना दूर है। गली के बाहर मेन रोड तक जो है लाइन लग चुकी है। तो भाई बढ़िया से दर्शन वर्शन करने के बाद अब बारी है पेट पूजा। किसी ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, पानी तक नहीं पिया। चेहरे देख रहे हो, चेहरे देख रहे हो, सबके गुर्दे अटके हुए, मुंह को आ रखे, इसका तो बुरा हाल है भैया जी। स्माइल अब ना हो रहा है, चलो फिनिश कर लेते हैं इसको। बढ़िया तो भाई फाइनली अपने काशी के दर्शन भी हुए पूरे। और काफ़ी टाइम से सोचा था कि काशी एक बार ज़रूर आएंगे, तो अभी अचानक से प्लान बना। बाकी सारी चीज़ें अच्छी से होगी। फिलहाल हम लोग निकले हैं अपने दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए, तो आगे तो मैं अभी व्लॉग नहीं करूँगा। बाकी आगे हमारा अयोध्या का प्लान भी बन रहा है शायद से, अरे आराम से। बाकी आगे हमारा शायद अयोध्या का प्लान भी बन रहा है, तो देखते हैं। हो सकता है परसों हम लोग अयोध्या जाएँ, तो अयोध्या जाएंगे तो वहाँ से भी एक आध व्लॉग आपके लिए बहुत अच्छे से आएंगे और रामलला के दर्शन भी करेंगे। बाकी फिलहाल जो आज दर्शन हुए उनका एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। क्या कहते हो त्यागी जी, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा, एक आध्यात्मिक चेतना आपकी ऊपर की तरफ महसूस करेंगे आप जाते हुए। राइट से जा रहे हैं, मतलब आप आओगे ना कभी काशी विश्वनाथ, तो जो यहाँ की वाइब है ना, जो एनर्जी है, वो आप डेफिनेटली फील करोगे। जैसे ही आप मंदिर के अंदर एंटर करोगे ना, वो समझ लो आपको मतलब फील होने लगे। तो काफी अच्छा लगा, तो वही मैं कह रहा था, मतलब हो सके तो उस वाइब को फील करने की कोशिश करना। बाकी काफी अच्छा रहा, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो फिर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। ये लड़का भी कह रहा है मुंह छुपा के पीछे से कुछ लोग है वो ऐसे कुछ काम कर देते हैं। ठीक है, तो जाते आते लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी। बाय बाय।